दोस्तों आइए देखते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन, जो सिलेंडर के रेसिप्रोकेटिंग मोशन से कैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि जो एनर्जी होता है वो कभी भी प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको चेंज किया जाता है। जैसे ये सिलेंडर का रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ठीक है, ये इसको मूव कर रहा है। ये पिस्टन है और ये इसका सिलेंडर है, पिस्टन सिलेंडर। इसमें ये मूवमेंट हो रहा है रेसिप्रोकेटिंग मोशन। इसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन लाने के लिए इसमें यहाँ पे फायर किया जाता है, जिसकी वजह से ये नीचे पीछे की तरफ आगे की तरफ फॉरवर्ड होता है। और ये यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट होता है। ये है क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट क्या करता है, इसकी मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। यानी पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन इसके रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। और इसका कनेक्शन एक बड़े से पुली से कर दिया जाता है। अब पुली से यहाँ पे एक मोटर का के साथ एक पुली लगा होता है। इसका पुली बड़ा होता है, इसका पुली छोटा होता है। इसका स्पीड कम होता है, इसलिए इसके पुली की जो डाया होता है वो ज़्यादा बनाया जाता है, ताकि इसकी कम स्पीड इसको हाई स्पीड में कन्वर्ट कर सके। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है, ठीक है, जनरेटर बोलते हैं इसको। जनरेटर से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। जब इसमें मूवमेंट होगा यानी रोटरी मोशन होगा, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ये इसका बेस होता है, जिससे पूरा ये जो है स्ट्रक्चर लगाया जाता है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने रेसिप्रोकेटिंग मोशन से कैसे हम बिजली बनाते हैं, यानी पिस्टन को हम लोग मूव करके कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे।